हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। मैं आपको जानकारी देने आया हूं जीएनएम कोर्स के बारे में। जीएनएम में एडमिशन कैसे लें, जीएनएम कोर्स है क्या, जीएनएम में एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है या डायरेक्ट एडमिशन होता है, इंडिया में कौन से स्टेट है जहाँ एंट्रेंस एग्जाम होता है और कौन से राज्य है जहाँ डायरेक्ट एडमिशन होता है, कौन इसके लिए एलिजिबल है, जीएनएम के बाद जॉब कौन कौन सी है और एज क्राइटेरिया क्या है, डॉक्यूमेंट कौन से चाहिए, कॉलेज की फीस क्या लगेगी और कॉलेज कौन कौन से है, मैं इस पे आपको जानकारी देने के लिए आया हूं। प्यारे बच्चों, जीएनएम जीएनएम जो है एक 3.5 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स है बच्चों, है ना। जीएनएम जो है 3.5 ईयर का नर्सिंग के अंदर ये एक डिप्लोमा प्रोग्राम है। मतलब जीएनएम डिग्री कोर्स नहीं है, ये क्या है बेटा, डिप्लोमा है। डिप्लोमा का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे एक तो ग्रेजुएशन होता है नर्सिंग में, एक होता है बीएससी नर्सिंग और एक है ये जीएनएम नर्सिंग। मतलब इस जीएनएम के बाद एक पोस्ट बेसिक के नाम से 18 मंथ का कोर्स करने के बाद आप ग्रेजुएट हो जाते हैं नर्सिंग के अंदर, है ना। बिल्कुल जी। तो मेरे दोस्तों, काफी अच्छा कोर्स है नर्सिंग फील्ड का, काफी बढ़िया कोर्स है, गवर्नमेंट जॉब इसमें बहुत है। अब देखो जीएनएम कर कौन सकता है। सबसे पहले इलिजिबिलिटी, योग्यता। जीएनएम का कोर्स बायो का बच्चा कर सकता है, मैथ का बच्चा कर सकता है, आर्ट्स का बच्चा कर सकता है ना, और इसके अलावा अदर भी कोई भी कॉमर्स का है, एग्रीकल्चर का है तो कर सकता है। आपने प्राइवेट किया है, NIUS ओपन बोर्ड से किया है 12th, किसी भी बोर्ड से किया है, आप एडमिशन ले सकते हैं, है ना। इसका फॉर्म बॉयज भी भर सकते हैं और इसका फॉर्म गर्ल्स भी फिल कर सकती है ना। बिल्कुल जी। अब अगला पॉइंट है एज क्राइटेरिया। मिनिमम फॉर्म भरने के लिए एज कितनी है, 17। मैक्सिमम वैसे कोई एज नहीं है, 35 वाला 40 वाला भी भर सकता है। ओके बिल्कुल। एडमिशन, एडमिशन बच्चों कुछ ऐसे स्टेट है जहां डायरेक्ट एडमिशन होता है। डायरेक्ट जहां पे एडमिशन होगा बच्चों, वहां 12th के परसेंटेज बेस पर क्या बनती है, मेरिट बनती है ना। 12th के परसेंटेज बेस पर मेरिट बनेगी। कुछ ऐसे स्टेट है जहां एंट्रेंस एग्जाम होगा, जहां पर भी एंट्रेंस एग्जाम होता है बच्चों, वहां 10th लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है, उस पेपर को देने के बाद मेरिट बनेगी। पेपर में जैसे नंबर आएंगे उसके अकॉर्डिंग बच्चों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब देखो, देखें अगर मैं बात करूं डायरेक्ट एडमिशन की कि कौन से स्टेट है जिनमें डायरेक्ट एडमिशन होता है। अब एक सबसे पहली और बड़ी बात सुन लो बच्चों, अब बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां एंट्रेंस एग्जाम होने लग गया है, तो हो सकता है मैं अगर किसी स्टेट की जानकारी दे रहा हूं और अगर उसके फॉर्म नहीं आए हैं तो हो सकता है वहां पर भी एंट्रेंस एग्जाम हो जाए इस बार, है ना। पहले एंट्रेंस एग्जाम की बात कर लें। एंट्रेंस एग्जाम कहाँ पे होता है, सबसे पहले उत्तर प्रदेश। यूपी में पहले डायरेक्ट एडमिशन होते थे, लेकिन अब यूपी के अंदर लगभग 300 जीएनएम के कॉलेज है बच्चों, जिनमें 17,000 सीटें हैं जीएनएम की, 17,000 से ऊपर ही सीटें हैं बच्चों, और 300 प्लस कॉलेज है यूपी में, है ना। और इन 300 प्लस कॉलेजों की 17,000 प्लस सीटों पर जीएनएम में एडमिशन के लिए यूपी में क्या होता है बच्चों, एंट्रेंस एग्जाम, और यूपी में फॉर्म आते हैं upsmfac.org इस वेबसाइट पे। और इसके अलावा यूपी की एक यूनिवर्सिटी है ABVMU, इसे अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी कहते हैं। तो अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी जो है ये एंट्रेंस एग्जाम करवाने वाली है इस बार। और जो है अगर मैं बात करूं फॉरम की, तो यूपी में जो फॉर्म है बच्चों जीएनएम के, वो आपके जून में आएंगे, है ना। जून के सेकंड वीक में, यानी आप मान के चलो 15 जून तक यूपी में जो है फॉर्म आ जाएंगे, और अगस्त में जो है वो एंट्रेंस एग्जाम होगा। एग्जाम कब होगा, तो अगस्त में होगा। ये पेपर का पैटर्न है साइंस, साइंस के लगभग बच्चों मैंने ऑन एंड एवरेज क्वेश्चन बताए बेटा, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम ज्यादा हो सकते हैं, है ना। तो साइंस, इंग्लिश, हिंदी, GK और मैथ, ये बच्चों सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं, और इनका जो सिलेबस रहेगा बेटा वो 10th स्टैंडर्ड का रहेगा।
है ना, 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस रहेगा, ठीक है। हो सकता है 20-20 क्वेश्चन आ जाए, हो सकता है 30-30 क्वेश्चन भी आ जाए, है ना। बिल्कुल जी, तो ये आपका पेपर पैटर्न है, ये चीजें आपको पढ़नी है। अभी फिलहाल आपको ज्यादा क्या पढ़ना है बेटा, साइंस मैथ, ये दोनों सब्जेक्ट अच्छी तरह से पढ़िए, क्योंकि इनके क्वेश्चन ज्यादा भी आ सकते हैं। ओके, बिल्कुल जी। अब बच्चों देखिएगा, हम आगे चलते हैं। यूपी के बाद में अगला जो स्टेट आता है वो आता है झारखंड। झारखंड के अंदर भी बच्चों एंट्रेंस एग्जाम होता है। झारखंड में इंग्लिश के 30 क्वेश्चन, मैथ के 30, फिजिक्स के 30, केमिस्ट्री के 30 और बायोलॉजी के 30। ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है बच्चों, ये साइंस है, ये विज्ञान है बच्चों, ठीक है ना, और वो भी 10th स्टैंडर्ड की। तो यहाँ पर भी सिलेबस जो रहता है आपका 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस ही रहता है, 10वीं स्तर का, ठीक है ना, ध्यान रखना। और ऑब्जेक्टिव टाइप का पूरा पेपर लगता है ना, और पेपर बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहता है, ठीक है ना, और OMR शीट पे पूरा एग्जाम लगता है, बड़ा आसान पेपर आता है। तो 150 क्वेश्चन जो है झारखंड के GNM के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। झारखंड में भी लगभग 15 जून तक जो है, 10 से 15 जून तक जो है इसके फॉर्म आ जाएंगे, और झारखंड में भी जुलाई के लास्ट में जो है एंट्रेंस एग्जाम होगा, ठीक है ना बेटा। बिल्कुल जी, अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेट की तरफ। नेक्स्ट स्टेट है उत्तराखंड। उत्तराखंड में अगर आप GNM करना चाहते हैं तो उत्तराखंड में फॉर्म फिलिंग चल रही है अभी। उत्तराखंड में बेटा हिंदी, फिर इसके बाद मैथ यानी गणित, फिर सामान्य विज्ञान यानी साइंस और GK, ये जो सब्जेक्ट है बेटा आपके पूछे जाते हैं, है ना। आपके GK के 40 क्वेश्चन है, साइंस के 20 है, मैथ के 20 है और हिंदी के 20 है, तो टोटल 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। सिलेबस यहाँ पर भी 10th स्टैंडर्ड का है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा बच्चों, और यहाँ पे आपको जो फॉर्म मिलेंगे वो हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मिलेंगे, HNBUMU, है ना, इस वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन फॉर्म मिलेंगे। फॉर्म अभी फिल हो रहे हैं, भरे जा रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल जी। अब इसके बाद ये तो हो गया झारखंड, उत्तराखंड, यूपी, है ना। यूपी के बाद बच्चों अगर मैं बात करूं, कुछ और भी स्टेट है, मैंने मेन स्टेट ही बताए अभी। इसके बाद बिहार, एक मैं भूल रहा था, बिहार, है ना, तो हम बिहार की भी बात कर ही लेते हैं बेटा। अगर मैं बिहार की बात करूं, है ना, तो बिहार के अंदर बेटा एक एग्जाम लगता है DCECE के नाम से। कहां पर बेटा? बिहार में GNM के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम लगता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों? DCECE, ठीक है ना। तो बिहार में जो एंट्रेंस एग्जाम लगेगा उसे बोलते हैं DCECE, ठीक है ना। और इसके फॉर्म फिलिंग जो है वो लगभग हो चुकी है कंप्लीट। मैं आपको प्रोस्पेक्ट भी इसका दिखाना चाहता हूँ, DCECE का जो प्रोस्पेक्ट है वो भी मैं आपको जो है दिखाने वाला हूँ, है ना। और बच्चों बिहार में पेपर का जो पैटर्न है वो क्या रहता है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि भाई बिहार में GNM का जो पेपर का पैटर्न है एंट्रेंस एग्जाम का, है ना, वो क्या रहता है ना। बिल्कुल आप देख सकते हैं, ये देखिएगा, यहाँ पे ये रहा, ये पेपर पैटर्न है बच्चों, मतलब सभी स्टेट का सेम ही है बेटा, कोई खास अंतर नहीं है। देखो आप, यहाँ पर साइंस है, यहाँ पर भी मैथ है, यहाँ पर भी हिंदी है, यहाँ पर भी इंग्लिश है, यहाँ पर GK, सभी स्टेट में कॉमन है, साइंस मैथ GK तीन सब्जेक्ट तो है ही सभी में, इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश। कुछ ऐसे स्टेट है जहाँ हिंदी नहीं होती तो इंग्लिश होती है, इंग्लिश नहीं होती तो एक लैंग्वेज होती, कुछ है। बाकी ये तीन सब्जेक्ट तो हैं, साइंस मैथ GK, ये तो तीन सभी जगह है, ठीक है ना बच्चों। तो अब इनके क्वेश्चन देखो, 25 साइंस के हैं, सबसे ज्यादा क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है साइंस के, 10th स्टैंडर्ड की साइंस है, 15 मैथ के है, 15 हिंदी के है, 15 इंग्लिश के हैं और 20 GK के, 90 क्वेश्चन है और 450 नंबर का पूरा पेपर है बेटा, ठीक है कि नहीं है। ये देखिएगा, 2 घंटे और 15 मिनट का एग्जाम लगता है। ये बात किसकी हो रही है बच्चों? ये बात हो रही है बिहार की, ये बात किसकी हो रही है? बिहार की, ठीक है ना। तो बिहार में एग्जाम किस नाम से लगता है बेटा? DCECE के नाम से लगता है। ओके, बिल्कुल जी। अब कुछ ऐसे भी राज्य है बच्चों जहां डायरेक्ट एडमिशन होता है। अब डायरेक्ट एडमिशन कहाँ पे होता है जी?
अगर मैं बात करूं डायरेक्ट एडमिशन की, तो राजस्थान के अंदर बेटा 12th के परसेंटेज बेस पर एडमिशन होता है। ओके, पंजाब, पंजाब में भी बच्चों 12th के परसेंटेज बेस पर ही मेरिट बनती है, लेकिन इसके लिए प्रॉपर आपको फॉर्म भरना पड़ता है। लेकिन अब बच्चों काफी ऐसे राज्य हैं जहां पे एंट्रेंस एग्जाम होने स्टार्ट हो चुके हैं, है ना? बिल्कुल जी। तो हो सकता है कि मैं जिस स्टेट का नाम बता रहा हूँ इनमें से किसी स्टेट में फॉर्म भी आ सकते हैं इस बार एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी, ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो अब देखिएगा इसी तरह से एमपी, एमपी में भी 12% बेस, हरियाणा में 12% बेस, छत्तीसगढ़ में 12% बेस, गुजरात में 12% बेस, और इसी तरह से बच्चों आपका महाराष्ट्र, ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो ये कुछ स्टेट है। लेकिन बच्चों अगर मैं बात करूं जम्मू कश्मीर की, है ना, और भी काफी ऐसे स्टेट है बेटा जहां एंट्रेंस एग्जाम होता है। ओके, तो आप ये समझ सकते हो कि इंडिया के 50% ऐसे राज्य है जहां एंट्रेंस एग्जाम होता है, और इंडिया के 50% ऐसे राज्य है जहां 12th के परसेंटेज बेस पर मेरिट बनती है और जीएनएम कोर्स में दाखिला मिलता है। अब बच्चों देखिएगा कॉलेज की फीस क्या रहती है। अगर मैं बात करूं कॉलेज के फीस की बेटा, तो जीएनएम के अंदर प्राइवेट कॉलेज में जो फीस रहती है वो लगभग बच्चों आप मान के चलिएगा 60,000 रुपये पर ईयर। कुछ बेटा कॉलेजों की फीस कम है, कुछ राज्यों के अंदर जो है 50,000 तक भी फीस रहती है, लेकिन ये जो है ईयरली फीस जीएनएम की लगती है प्राइवेट कॉलेज की, ठीक है ना? ये एक मिनिमम फीस है, कुछ राज्यों में तो बेटा और ज्यादा है, 75 के लगभग भी है कुछ स्टेट में, ठीक है ना बच्चों? बिल्कुल। अब इसके बाद में गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज की बेटा दो तीन कैटेगरी होती है। एक तो फुली गवर्नमेंट कॉलेज, फुली गवर्नमेंट, जो फुली गवर्नमेंट कॉलेज होता है बेटा, है ना, जो पूरी तरह से गवर्नमेंट कॉलेज है वो बिल्कुल फ्री होता है, इसमें कोई भी आपकी फीस नहीं लगती है, 1,000 या 1,500 रुपये फीस लगती है, है ना? एक होता है बेटा सेमी गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं बच्चों उनमें आपकी फीस लगती है लगभग 15,000 रुपये से 20,000 रुपये पर ईयर जो फीस है आपकी वो लगती है, ठीक है ना बच्चों? बिल्कुल जी। वैसे बच्चों मैं आपको बता दूं स्कॉलरशिप भी मिलती है ना? तो गवर्नमेंट जो है आपको छात्रवृत्ति देती है बेटा, जो भी फीस आपकी लगती है काफी हद तक जो एससी के एसटी के या जो बीपीएल परिवार के बच्चे होते हैं या जो दिव्यांग होते हैं अनाथ होते हैं, है ना, फ्रीडम फाइटर फैमिली से होते हैं, ऐसे बच्चों को गवर्नमेंट जो फीस लगती है उसका लगभग 50% या ज्यादा भाग वापिस कर देती है खाते में, ठीक है? बिल्कुल जी। अब बेटा डॉक्यूमेंट, एडमिशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है बेटा? एडमिशन के लिए जो है 10th की मार्कशीट, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं बेटा, 12th की मार्कशीट, इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र। देखो जनरल कैटेगरी का अगर कोई बच्चा है तो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, है ना? बिल्कुल जी। इसी तरह से अगर किसी की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है तो फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, देखो या तो जाति होगा या बेटा ईडब्ल्यूएस होगा, है ना? और अगर जनरल का है, यूआर कैटेगरी है, तो कोई का सर्टिफिकेट नहीं लगता, कोई ईडब्ल्यूएस नहीं लगता। ओके, बिल्कुल। अब है डोमिसिल, डोमिसिल को बोनाफाइड भी बोलते हैं, मूल निवास, तो ये निवास प्रमाण पत्र बेटा, ठीक है ना? इसके अलावा आपके फोटो लगते हैं, ठीक है ना? बिल्कुल जी। इसके अलावा टीसी या माइग्रेशन, है ना, आप जिस भी कॉलेज को छोड़ते हैं वहां आपको कॉलेज लीविंग सर्टिफिकेट मिलता है बेटा, स्कूल लीविंग या कॉलेज लीविंग, या तो कॉलेज लीविंग मिलता है या प्रवजन के नाम से कोई आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, और उसी के साथ बेटा सीसी मिलता है, उसी कॉलेज लीविंग या स्कूल लीविंग के साथ सीसी यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिलता है, चरित्र प्रमाण पत्र, ठीक है ना बच्चों? बिल्कुल जी। अब इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्कॉलरशिप छात्रवृत्ति के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको आय प्रमाण पत्र अपने पिता का बनवा के देना पड़ता है, यह ब्लॉक स्तर पर ही बन जाता है। और इसके अलावा जब बच्चों कॉलेज में एडमिशन होता है तो कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर से एक पेज पे साइन करवा के कॉलेज में जमा होती है मेडिकल फिटनेस के नाम से। कुछ राज्यों में ये इसकी जरूरत होती है, कुछ में जरूरत नहीं भी होती है, तो ये इतना ज्यादा कंपलसरी नहीं है। तो ये डॉक्यूमेंट है बेटा जो एडमिशन के लिए चाहिए होते हैं, ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल जी। तो प्यारे बच्चों ये तो जानकारी थी जीएनएम कोर्स के बारे में, जिसमें मैंने काफी हद तक आपको इसकी प्रवेश प्रक्रिया बता दी है कि कहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन होगा और कहाँ पर बेटा
जो एंट्रेंस एग्जाम होगा। अब अगर जहां जहां पे डायरेक्ट एडमिशन होता है वहां पे भी फॉर्म आपको भरना पड़ता है बेटा, है ना, जहां पे भी डायरेक्ट एडमिशन होता है वहां पे भी आपको फॉर्म लगाना पड़ता है। जैसे अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में डायरेक्ट एडमिशन जरूर होगा, लेकिन फॉर्म इस वेबसाइट पे भरा जाता है, लगभग जून जुलाई में फॉर्म निकलते हैं, cghealth.nic.in, इस पे GNM के फॉर्म फिल होते हैं। अगर मैं बात करूं राजस्थान की, तो राजस्थान के अंदर बेटा राजस्वास्थ्य.com.nic.in है ना, तो राज स्वास्थ्य और एक राज जीएनएम इस नाम से बेटा एक वेबसाइट है, ठीक है ना, उसी वेबसाइट पे जो है फॉर्म फिल होते हैं, है ना। कहाँ की बात कर रहा हूँ मैं, राजस्थान की मैं बात कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है ना, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान की, ठीक है ना, बिल्कुल। अब देखिएगा तो आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए, मैं राज स्वास्थ्य ओपन करके भी दिखाता हूँ कि राजस्थान के जो फॉर्म है वो आपको कहाँ पर मिलते हैं। तो ये राज स्वास्थ्य निक इन इस नाम से बेटा वेबसाइट है, राजस्थान के फॉर्म जो है इस वेबसाइट पे भरे जाते हैं। ये मैं कंप्लीट वेबसाइट जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये वेबसाइट है, राजस्थान में GNM के फॉर्म इस वेबसाइट पे आते हैं, rajswasthya.nic.in इस वेबसाइट पे फॉर्म आते हैं। राजस्थान में फॉर्म आते हैं लगभग अगस्त या सितंबर में, अगस्त या सितंबर में फॉर्म निकलते हैं, ठीक है कि नहीं है। तो ये बात हो गई राजस्थान की, है ना। तो जहां पे भी डायरेक्ट एडमिशन होता है वहां पर भी आपको ऑनलाइन फॉर्म पहले भरना पड़ता है, और फॉर्म ज्यादातर राज्यों में जून से लेकर के और बच्चों जो है जुलाई अगस्त तक आते हैं, कुछ राज्यों में फॉर्म बेटा मई में आ जाते हैं। तो फॉर्म के लिए आपको भी अपडेट रहना पड़ेगा, इनपुट जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से वेबसाइट पर आप खोजते रहें, पता लगाते रहें, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल। अब अगर आप GNM एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में, यूपी में, झारखंड में, है ना, जम्मू कश्मीर में, है ना, इसी तरह से उत्तराखंड में और भी बहुत सारे राज्य हैं जहाँ GNM का एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हो, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, या टॉप INC से मान्यता प्राप्त प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए। विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बच्चों अभी हम GNM का एक नया बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, और उस नए बैच में आपको प्रॉपर सारे टेस्ट मिलेंगे, प्रॉपर सारी रिकॉर्डेड चैप्टर वाइज क्लासें मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे, और जो बच्चे पहले से विजय एजुकेशन ऐप में GNM एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने पहले कोई ओल्ड बैच ले रखा है, उन ओल्ड बैच में भी वो सारी चीजें मिलेगी उनको, ठीक है ना, बिल्कुल। तो जो नया बच्चा अभी से प्रिपरेशन शुरू करना चाहता है तो वो विजय एजुकेशन ऐप के अंदर GNM का एक रिकॉर्डेड बैच अभी हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसका नाम है रमन क्रेश कोर्स। आप इस रमन क्रेश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, बैच का नाम है रमन क्रेश कोर्स, और ज्यादा जानकारी के लिए आप विजय टीम को कॉल भी कर सकते हैं। और इस बैच की जो फीस है बेटा वो केवल 690 रहेगी, 690 रुपए, ठीक है ना, बिल्कुल भी। तो रमन क्रेश कोर्स को आप ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हो, इसमें सारी प्रॉपर रिकॉर्डेड आपको क्लासें मिल जाएगी, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल जी। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो जानकारी थी, ठीक है ना, ज्यादा जानकारी के लिए बैच ज्वाइन करने के लिए विजय टीम के जो नंबर दिख रहे हैं इन नंबरों पे आप ऑनलाइन फोन पे या गूगल पे करवा के भी यहीं से विजय टीम आपका बैच एक्टिवेट कर देगी, और उधर आप जैसे ही विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके उसमें अपना मोबाइल नंबर डालोगे अंदर आपको क्लासें मिल जाएगी। आप खुद भी बेटा ऐप में जाओगे तो वहां पे आपको GNM का फोल्डर दिखेगा, उस पे क्लिक करके जैसे ही रमन क्रेश कोर्स पर क्लिक करोगे पेमेंट के लिए तो वहाँ आई एम इंटरेस्टेड लिखा हुआ दिखेगा बेटा, उस इंटरेस्टेड पे क्लिक करते ही पेमेंट का लिंक आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, और उस लिंक से पे करते ही आपका बैच चालू हो जाएगा। तो आप खुद भी बेटा ऐप में जाके बैच चालू कर सकते हो, या आप विजय टीम के नंबर पे अपने किसी भी रिलेटिव से ऑनलाइन पे करवा के भी आप अपने नंबर पे विजय टीम को कॉल करके भी बैच चालू करा सकते हो बेटा, ठीक है ना। अच्छी तैयारी करोगे, बढ़िया पढ़ोगे तो अच्छा कॉलेज यकीनन मिलेगा। अब अच्छा कॉलेज है कौन सा, तो बच्चों वैसे तो हम आपकी काउंसलिंग करवाएंगे एग्जाम होने के बाद, हम आपको सजेस्ट कर देंगे कि बेटा ये कॉलेज आप लीजिए, ये कॉलेज आपके लिए सही रहेगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको एक लिस्ट दिखाना चाहता हूँ इंडियन नर्सिंग काउंसिल की, भारतीय नर्सिंग काउंसिल से जो मान्यता प्राप्त कॉलेज होता है बेटा, हमें GNM केवल उन्हीं कॉलेज से करनी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक राज्य के जो मान्यता प्राप्त कॉलेज हैं,
जो अच्छे कॉलेज हैं। वैसे तो प्रत्येक स्टेट में बहुत सारे कॉलेज होते हैं बेटा, लेकिन हमें उन्हीं कॉलेज से जीएनएम करना है जो वास्तव में मान्यता प्राप्त है ना। बिल्कुल, जिसकी डिग्री, जिसका डिप्लोमा इंडिया में वैलिड है, उन्हीं कॉलेज को चूज करना है। ये देखो आप, जैसे ये झारखंड के कॉलेज है ना, तो इस तरह से प्रत्येक राज्य के टॉप प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज की लिस्ट हम विजय एजुकेशन ऐप में और विजय एजुकेशन टेलीग्राम में डाल देंगे और आपको बेटा मिल जाएगी, है ना। बिल्कुल जी, तो यहाँ पे जो प्राइवेट कॉलेज होगा उसके सामने प्राइवेट लिखा हुआ होगा, और जो गवर्नमेंट कॉलेज होगा बेटा उसके सामने आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा, गवर्नमेंट लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना। बिल्कुल जी, तो ये पूरी लिस्ट है बेटा कॉलेज की, ये आपको मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ सभी राज्यों के बहुत बड़ी संख्या में कॉलेज है ना। बिल्कुल जी, तो ये पूरी जानकारी है बेटा जो मैं आपको बताने वाला था। थैंक यू सो मच, खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए, ठीक है ना। किसी तरह की जानकारी लेनी हो तो आप विजय एजुकेशन के साथ जुड़िए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है बेटा। और इस इंफॉर्मेशन के लिए पहले से मुझे बहुत तैयारी करनी पड़ती है, मैं सारी चीजें बोर्ड पे आपके लिए लिखता हूँ। मैं सोचता हूँ कि बच्चों को इधर उधर पूछना नहीं पड़े किसी को, सच बताऊं तो 1 घंटे से इस वीडियो के लिए चीजें लिख रहा हूँ, अलग अलग जगह से चीजें बोर्ड पे लगा रहा हूँ, तो बहुत मेहनत लगती है बच्चों इन चीजों के लिए। तो इसलिए प्लीज, आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी इस वीडियो को शेयर करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में। तो मैं धन्यवाद भी कहना चाहूंगा सभी अभिभावकों का, आपका अपना परिवार विजय एजुकेशन, प्यार दीजिएगा, आपके लिए लगातार काम कर रहा हूँ और करता रहूंगा। थैंक यू।